एक वीडियो है जिसके अंदर एक अरबी है जो कि इंडिया के भजन गा रहा है, और वो भजन ये पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि एक अरबी होकर ये क्या कर रहा है, लूंगा क्या ये अरबी जो कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इन सब के बारे में नचेंगे इस बारे में। ये भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। अच्छा, तो उसमें था कि जब क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख ले कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई के में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं, सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बर हक है, झूठ तो नहीं हो सकता, तो वो ही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक जी, बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अपने, अल्लाह ने अभी अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हम, हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर, तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, गिराएं ना, लेकिन कम अज़ कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे वो तुम्हारी गिराएंगे, तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना, ठीक है ना। तो अब देखे ना, ये हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र, मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है, कभी इंजील जलाई नहीं? ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पर, मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना, मुसलमान तंग नज़र नहीं है। सर वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। ये इनकी जंग लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, तो जाहिर बात है जब मुसलमान के ऊपर तो हमला करेंगे तो वो उसका जवाब तो देना बनता है ना। मेरे घर पे कोई हमला कर दे कोई भी, वो आके मैं उसको खामोशी से देखता रहूँगा? मैं फिर रोकूँगा ना उसको, हाथ से रोकूँ, ज़बान से रोकूँ या फिर हथियार से रोकूँ? तो ये उन्होंने रोका है, दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं। तो कितने सूफिया कराम हैं, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली इधर आए हैं, पूरे बरेसगीर में हैं, जिनको ये जाके मानते भी, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी जाते हैं वहाँ पे, क्यों जाते हैं? उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैलाया। अब मानते हैं कि ये जोन साहब, ये इन्होंने जो भजन गाया ये सही नहीं गाया, गलत गाया, इसके प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ? ये तो गलत, मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है, लेकिन अल्लाह के बताइए उसमें से एक निशान नहीं है। अच्छा, मतलब क़यामत आएगी? क़यामत तो आनी है, आप क़यामत पे ईमान नहीं रखते? इंशाल्लाह ज़रूर रखते हैं। तो फिर तो क़यामत आनी, उससे पहले ये चीज़ें जो है ना ये पूरी होनी है, जो क़यामत की निशानियों में से हैं उसमें बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। अरब में सब्ज़ा उग रहा है पहाड़ों पर, जहाँ पत्थर थे वहाँ सब्ज़ा उग रहा है, बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी, ये भी निशानी है क़यामत की। जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी एक सवाल ये भी यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि दुनिया ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रही है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात कर लें, हमसे ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, हम पस्ते की तरफ जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अपने माल की वजह से है ना, हम अपने माल, हमारे अपने माल भी तो अच्छे नहीं ना मुसलमानों के, कौन से अच्छे हैं बताएं? हमारे अपने माल भी ऐसे ही हैं ना, जिन चीज़ों से अल्लाह के उसके रसूल ने मना किया वो हम धड़ल्ले से करते हैं, जहाँ से मना किया वो आ जाते हैं खुद कर रहे हैं, किस किस चीज़ से अल्लाह ने मना नहीं किया वो हम कर रहे हैं, हमारे नबी पाक ने फरमाया ये काम नहीं करना हम वो कर रहे हैं, तो फिर पस्ती तो आनी है ना, अल्लाह तो फिर नाराज़ होता है ना। फिर क्या हाल है इस चीज़ का? थोड़ा सा अपने आप देखे जी, किसी को बुरा कहने से बेहतर है अपने आप को बदलें, अपने पहले खुद अपने आप को ठीक करें, दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे अपने वो ठीक ही ना करें। बिल्कुल सही होगा।
है ना सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एनआरसी डॉग विद यू। अल्लाह का शुक्र करम, आप सुनाए आप कैसे? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है यहाँ दूल्हा स्ट्रीट में। जबरदस्त हो गया। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हमें इस्लाम, हमें दीन किससे सीखा, कहाँ से आया और कौन से मुल्क से फैला ये इस्लाम दीन? दीन हमारा मजहब जी, दीन इस्लाम जो हमारा मजहब है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, आपको पता है इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये हमारा दीन सीना बसीना आया पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। हमने कहाँ से ताल्लुक रखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से, मक्का मदीने, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लोग, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, अरबी क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देखिएगा और उसके बाद आपने अपनी राय देनी है। ये अरबी हैं, ये अरबी है, ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये देखें, बोल राजा सीताराम बोल, ये बोल रहे हैं, ये देखें गौर से देखें सर, ये देखें, ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं, ये इनकी मैं आप... वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि ये शेख? मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया इसको उठा रही है तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए, हम कलमा को हैं, हमें चाहिए दीन और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। मैं आपको पता दुबई में मंदिर भी बन चुके हैं सर, अभी तक तो बड़ा कुछ बनेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर आने वाला है, आप देख रहे हैं मई में, कभी देखे मौसम आपने, इतना मौसम बेहतरीन हो रहा है, ये वो मौसम है जिसमें पसीने नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये बशारतें हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं ये जो हो रही हैं, और अन करीब आपको और बड़े बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। मंदिर तो बहुत छोटी बात करें ना, वो पाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया ना वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है, हर औरत ने तो नाइस्टिक। मैं मीडिया पर परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले बात। हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे हैं, हम इंसान नहीं हैं। ये मेरी बहन आई, इन्हें दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ, मीडिया की ना। हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन मज़हब है अपनी, ये है समेट के रखना अपने नज़र, नज़र नज़र भी सही रखनी चाहिए इंसान को, हमारा काम ही है। हम कलमा को किस चीज़ के, हम मैसेज किसको दे सकते हैं जब तक हम ही ठीक नहीं हो रहे, वो आगे कोई मैसेज नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने आपको दिखाने का पर्पस ये था कि जो आपने जो दिखाया बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे, वो हाथ काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना, खुलेआम गा रहे तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते, ये डांस करने वाले को कुछ नहीं करना, एहतराम ख़त्म हो ही जा रहा है भाईजान। मदीने शरीफ के आसपास तो डांस क्लब बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें सब पता है। मंदिर तो बहुत छोटी बात है, इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं साथ मंदिर साथ मस्जिद है, लोग रह ही रहे ना, लेकिन हमारी आँख हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारा मज़हब जो है ना, हमारा मज़हब, हम अपने मज़हब पे कायम दायम होना चाहिए। दुबई में जो मंदिर बना उसकी खुला मजम्मत करते हैं या मजम्मत है? वो ऐसी मजम्मत है, हम सब मुसलमानों को चाहिए वो तोड़ें, अपने हाथों से तोड़ें, एक चीज़ तोड़ेंगे तो अगली चीज़ नहीं बनेगी, एक बन जाएगी तो 10 और बन जाएंगे। हमारी गलतियाँ ये सारा कुछ हम गलत कर रहे हैं, जब तक हम ठीक नहीं होंगे कभी कुछ नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान में ही बन रहा था, इस्लामाबाद में मंदिर भी बनने नहीं दिया सर, नहीं बनना चाहिए ना। यहाँ हमारे यहाँ हुआ था कश्मीरी बाजार के साथ एक, यहाँ गुरु नानक का उन्होंने कि सीढ़ी यूज़ की, उन्होंने अम्बेसी से कॉल करी, वो सीढ़ी तड़वा के दोबारा बड़ी करवा दी, उनकी क्या ताकत होगी, वो तो सीढ़ी को नहीं छेड़ने देते, तो हम मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना हिंदू हैं, कलमा को दिल से कलमा नहीं पढ़ रहे यार, दिल से पढ़ो, ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को पुकारो, दिल से पुकारो उनको, फिर पता लगे हम कौन हैं। हम तो नजायज़ कर रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान, ऐसे मुसलमान कोई नहीं होता, मुसलमान इधर से होना चाहिए। आज अगर देखेंगे तो गैर मजहब हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हिंदू देखेंगे हमसे ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं, क्या वजूहत है? हम पीछे हैं तो क्यों? हम झूठ बोलते हैं, हर बात पे कलमे की कसम खा लेते हैं, हम मुसलमान हो के इतना झूठ बोलते हैं कि सोच हो सकती, वो अपने कारोबार में सिंसियर है, अगर वो कलमा पढ़ लें गोरे या दूसरे लोग, उनकी दुनिया में जन्नत है, उनकी दुनिया में जन्नत हो जाएगी भाईजान।
ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदार नहीं है वो, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा। वो सीखा भी हमसे जो हमारे बुजुर्ग थे। अब तो हर बंदा चीटर है, बेहतरीन किस्म का झूठ बोल के पैसे ले जाता है। बात समझ रहे, ये अल्लाह पाक हमें हदायत दे और अल्लाह करीम उनको भी हदायत दे जो डांस कर रहे हैं, अल्लाह के घर में डांस कर रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हैं तलुकात बेहतर करने के लिए, क्या कैसे इसको कैसे वो तो हो जाएंगे मेरी दुआ है। वो तलुकात कभी भी उनके सिंध में नहीं अच्छे तलुकात, उन्होंने वहाँ क्या तलुकात करने हैं, बंदों को मार रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं यार, छोटी छोटी ज़मीन कब्जे करके बैठे हुए जरदारी साहब मालक बने हुए। ये अल्लाह ने एक टाइम इनका कहर आना ही आना है, इंशाल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क ज़रूर होगा, क्योंकि अवाम इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है, हर बंदा परेशान है खाने पीने पर। ये देखें मार्केट का क्या हाल है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एक भी गाहक नहीं है। ये हमारी गलती है। रमज़ान मुबारक में देखें कितना अच्छा मौसम था, नमाज़ें पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे थे।